आरबी एग्रो कंपनी ने रोका प्रवासी मजदूरों का वेतन। नहीं भेजा गया मजदूरों को उनके घर। कंपनी द्वारा बंद हुआ मजदूर के लिए किया जा रहा है बेबस, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की अवहेलना। एसडीएम ने मजदूरों के भुगतान के लिए आदेश जारी किए। बीना से खबर आ रही है जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में आरबी एग्रो कंपनी में जम्मू के करीब 26 प्रवासी मजदूर काम करते हैं। अपने परिवार से दूर ये मजदूर लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को कंपनी ने मजदूरी के करीब 1,70,000 रुपए देने से मना कर दिया है और ना ही वह मजदूरों को घर भेजने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर मजदूरों ने एसडीएम अमृता गर्ग से मदद की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते उनका परिवार परेशान है और वह अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह कंपनी से अपना वेतन चाहते हैं। उनकी मांग है कि उनका वेतन कंपनी से दिलाकर उन्हें जम्मू भेजने की व्यवस्था की जाए। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र व राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद एसडीएम ने कंपनी मालिक को मजदूरों को वेतन का भुगतान करने और उन्हें उनके घर भेजने के निर्देश जारी किए हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए बीना से सचिन पवार की रिपोर्ट। बोल जाओ तुम, घर जाओ, हमारी और लेबर आ रही है और कमरे खाली करो। कमरे खाली करो, पैसे देना है, पैसे नहीं दे रहे हैं। आप पैसे थोड़ा घर से आएंगे? घर से कौन आएगा लेने यार, जम्मू से जाना वाला है। सारे आदमी थके हुए, सारे आदमी थके हुए, ये हाथ देखो, ये सब के कंधे ये हो गए लाल हो गए। अभी का 2 महीने ये लोग आराम कर लेते फिर काम कर। अभी कितने दिन से आए वहाँ से? हाँ जी, कितने दिन पहले आए थे? हम वहाँ से आए 4-5 दिन। 1,70,000 कितने काम चाहिए? 26। क्या बोल रही कंपनी? क्या बोल रही? पूरी कमरे खाली करो, पैसे नहीं। शिकायत कर दी? शिकायत करी सर, मैं हमें ऑफिस 2-3 बार जा चुके हैं। तो आपने बोला नहीं कि हमें तो जम्मू जाना है? हाँ कहा था हमने। क्या कहा कंपनी? कंपनी वाला जाओ जाओ जाओ, उन्होंने भेजा वापस।